नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे खट्टी वाली फिश। तो देखिए हमने इसके लिए क्या क्या लिया हूँ। देखिए हमारे यहाँ पूना मछली है जो आधा किलो, सरसों है हमारा 2.5 चम्मच, 1 चम्मच नमक है, 2 टमाटर है, पिसी हुई सूखी मिर्च थोड़ी सी, पिसी हुई हल्दी थोड़ी सी, 5 फोड़ंग थोड़ी सी है, यहाँ पर पिसी हुई धनिया है देखिए बिल्कुल छोटे चम्मच में, 1 चम्मच है, पिसी हुई जीरा है थोड़ी सी, 1 चम्मच। इसमें हमने मेथी दाना लिया हूँ, जो मेथी दाना को भून के फिर इसको पीस के थोड़ी सी ली हूँ मेथी दाना, उसके ऊपर हरा धनिया, 4 हरी मिर्च, थोड़ी सी इमली, और पहले हम मछली को नमक हल्दी मिला लेंगे और इमली को गर्म पानी में भिगोएंगे। पहले इमली को धो लेंगे, इसके बाद गर्म पानी में भिगोएंगे, क्योंकि गर्म पानी से इमली भिगोने से उसके अच्छी मतलब ये हो जाते हैं, इमली अच्छी घुल जाते हैं। तो चलिए अब हम मछली के खट्टे बनाने के खटाई बनाने के लिए चलिए अब हम मछली की खटाई बनाने के लिए पहले मछली में नमक हल्दी मिला लेते हैं, सरसों को पीस लेते हैं। देखिए हम पहले मछली में नमक हल्दी मिला लेंगे। तो हमने नमक ऐड कर दिया हूँ, इसमें 1 चम्मच नमक है, देखिए हल्दी, और हम इसको मछली को मिलाएंगे। ये हमने इधर गर्म पानी कर लिया हूँ, अब इमली को हम भिगोएंगे। देखिए गर्म पानी भिगोने से, गर्म पानी में इमली भिगोने से अच्छी फूल जाती है, जल्दी फूलती है। देखिए हमने इमली भिगोने दे दिया हूँ, तो चलिए अब हम सरसों को पीस लेते हैं। देखिए हमने कढ़ाई गर्म होने दे दिया हूँ, अब इसमें हम ऐड करेंगे तेल। देखिए हमने तेल ऐड कर दिया, अब हम मछली को सारी तेल हमारा गर्म हो जाएगा, फिर हम सारी मछली को फ्राई कर लेंगे। हमारा तेल तो गर्म ही हो गया है, अब इसमें ऐड करेंगे हम 5 फोड़न, चार हरी मिर्च जो हमने बीच में से काट ली हूँ, ये देखिए ऐड करेंगे 4 हरी मिर्च, देखिए हमारा 5 फोड़न और हरी मिर्च भून चुका है, ये देखिए इसमें खुशबू भी निकल रहा है। अब इसमें ऐड करेंगे हमने टमाटर, भून चुका है। अब जो हमने सरसों पीस के रखे थे वो सरसों, और फिर सरसों को भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा, इसको भूंज लेंगे। जो हमने नमक रखा था 1 चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार नमक लीजिएगा, हमने 1 चम्मच नमक। थोड़ा सा इसको भूंज लिया हूँ, अब हमने सूखी मिर्च जो हमने थोड़ी सी ऐड करूँगी, और हल्की सी पानी जो हम सरसों जिस कटोरे में था वही पानी थोड़ी सी,
अब इसको हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ना हमारा मसाला तो तेल ना छोड़ना स्टार्ट कर दे। चलिए हम मसाला को अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखिए दोस्त हमारा मसाला भून चुका है, देखिए तेल भी छोड़ चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। देखिए हम अब एक गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। और आधा गिलास पानी हम ऐड करेंगे जो उसमें इमली का पानी भी रहेगा। देखिए हमारा इमली भी कितना सुंदर फूल गया है, तो हम इसको भी मिलाएंगे पानी के साथ ही इमली का पानी। तो चलिए हम पहले इमली को फिर छान लेंगे, उसके पानी जितना भी इमली का पानी वो निकालेंगे और बीच सारे छाट के निकाल के फेंक देंगे। देखिए हमने एक गिलास पानी मिलाया हूँ, फिर आधा गिलास जो इमली का पानी में था उसमें से थोड़ा सा पानी मिला के और आधा गिलास पानी मिला लिया हूँ। देखिए सारा पानी मिला दिया हूँ, अब थोड़ा सा खोल आएगा, कम से कम 10 से 15 मिनट का दे खोलाएंगे इस पानी को, उसके बाद हम मछली ऐड करेंगे। ये दोस्त हमने 10 मिनट के लिए खोला दिया हूँ तरी को, सरसों जितना खोलेगा पानी ऐड करके मछली की जो खटाई सरसों को जितना सरसों पानी जितना खोले आएगा उतनी अच्छी सरसों का झांझ नहीं रहती है। देखिए अब हम इसमें मछली थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ, मछली सारा ऐड कर दिया हूँ। देखिए इसमें थोड़ी सी मछली ऐड किया हूँ, थोड़ी सी खोलाएंगे। देखिए थोड़ी सी खोलाने दूँ, आँच को फुल कर दूँ। आँच हमारा पहले मीडियम था, हमने गैस को फुल कर दी हुई हूँ आँच को। देखिए अब हमारा मछली में खोल आ चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने मेथी दाना भूंज के रखे थे पीस के, अब वो मेथी दाना अब गैस को हम कम कर देंगे। मेथी दाना ऐड किया हूँ, अब एक चम्मच सरसों का तेल कच्चा, अब दोनों को मिला लेते हैं। अब हम ऐड कर देंगे जो धनिया काट के रखे थे वो धनिया, हरी धनिया। अब हम गैस में से उतार लेंगे। अगर आप देखिए दोस्त हमारा मछली खट्टी कितनी सुंदर पतली पतली से हुई है, इस गर्मी में एक बार ये मछली की खट्टी बना के खा के देखिए चावल के साथ, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।